रिकॉर्ड। यहाँ ससुराल में अंकल आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ससुराल आकर, आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? ससुराल कभी अच्छा ना लगता। ससुराल अंकल को आई गेस, अगर यहाँ पे बॉयज देख रहे हैं तो उन्हें आगे की बातें पता होनी चाहिए कि ससुराल अच्छा नहीं लगता रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है और राखी की मतलब खरीदारी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ हम लोग हैं, जमुई के एक जगह पे, एक छोटे से शॉप पे। अंकल आपके शॉप का नाम क्या है, आप बता सकते हैं? पीहू श्रृंगार इस ये शॉप का नाम है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने प्यारे प्यारे राखी है, यू कैन सी हियर लाइक दिस, दीज आर सो ब्यूटिफुल राखी। एंड और मैं राखी खरीद रही हूँ यहाँ पे, मैं अपनी सिस्टर्स के साथ आई हुई हूँ, यू कैन सी से हाई। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितने प्यारे प्यारे राखी है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत राखी है, और मतलब यहाँ पे बहुत कम रेंज में यहाँ राखी अवेलेबल है। और मैं जमुई में हूँ राइट, सो यू ऑल कैन सी है। तो आप लोग की राखी की सेलिब्रेशंस कैसी चल रही है, तैयारी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ लाइटनिंग की थोड़ी कमी है। और बहुत मज़ा आ रहा है, तो चलते हैं फिर आगे। और यहाँ मेरी बहन जो है वो ये चूड़ी की शॉपिंग कर रही है। हम लोग यहाँ चूड़ी ग्रीन कलर में ख़रीदने आए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग ग्रीन कलर की चूड़ी हम लोग ले रहे हैं, यू कैन सी हियर। तो यहाँ शॉपिंग की बहुत धूमधाम से एकदम तैयारी चल रही है। और यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस भी हैं, लाइक यू कैन सी हियर, बहुत प्यारे प्यारे चूड़ियाँ हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट कॉस्मेटिक्स की सामान भी है यहाँ पे। ये एक प्यारा सा मुझे पसंद आया चूड़ी मम्मी के लिए, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है कलर। और ये बस हम लोग ख़रीदने वाले हैं, इसका हम लोग भाव करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो अंकल बताइएगा ये चूड़ी का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 30 रुपये यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। वैसे मैंने राखी तो खरीद ली है, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सी राखी खरीदी है। ये राखी मैंने भाव करवाया है, और ये सब आप देख सकते कितने प्यारे प्यारे राखी है। और यहाँ भाव जो है वो अंकल खुद ही बता रहे हैं, अंकल बता सकते हैं आप कितना क्या भाव है? 8 रुपये पीस, ऐसे 10 रुपये था, हम लोगों ने भाव करवाया है। ओके, तो आप यहाँ आइए, और पीहू एक शॉप है वहाँ पे, आप लोग अगर जमुई आते हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, यहाँ बहुत ही अच्छा छोटा सा प्यारा सा एकदम शॉप है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बस यही सब, तो आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पे पैकिंग चल रही है चूड़ी की, ये आप देख सकते हैं चूड़ी की पैकिंग हो रही है, और मेरी शिवानी जो बहन है वो मुझे लगातार देख रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो सोच क्या रही है। शिवानी तुम बता सकती हो, यू आर व्हाट यू आर थिंकिंग? नथिंग, उसने कहा नथिंग। ओ माई गॉड, बट घर जाके मैं उससे खबर लेने वाली हूँ कि वो क्या सोच रही है। और आप बाहर देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर सी राखियाँ हैं लटकी हुई, और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन लग रहा है मुझे। और ये सब आप देख सकते हैं दुल्हन के लिए बहुत सुंदर सा चूड़ा वगैरह है। और ये बस अभी खरीदारी कर ही रही है, मुझे सच बताऊँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रही है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ अभी और देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी है शूज़ की, कलेक्शन है लिबर्टी की।
तो आप यहाँ आइए, मैं अभी बदवन तालाब के पास हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अंकल भी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग एक के वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर आइएगा इस शॉप के पास। तो जब भी आप जम्मू ट्रैवल करें और ज़रूर आइए, आपको बहुत ही अच्छे भाव में मिलेगा ये सारा सामान, तो आप ज़रूर देखें। ये आप शॉप के बाहर आप थोड़ा नज़ारा देख सकते हैं लाइक दिस, ये एक शॉप है और यहाँ पास में ऐसी थोड़ी सी जगह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। यहाँ पे और भी कलेक्शंस हैं देख सकते हैं। We'll be right back.
नाम बता सकते हैं क्या? नेहा श्रृंगार, ये जमुई में है। सो ये अच्छा लगा मुझे ये यहाँ आके। और दिस थिंग बहुत प्यारे प्यारे चूड़ियाँ हैं, ये सब बहुत प्यारे प्यारे चूड़ियाँ हैं कलेक्शन यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये आगे आप देखिए मंडी है एंड राइट हियर एवरीबॉडी इज सेइंग लाइक ओह माय गॉड एंड यू कैन सी हियर इज अ मंदिर। तो बहुत मजा आ रहा है, श्रावण चक्र में बहुत काफी दिनों बाद मैं मंदिर देख सकते हैं। मेरे जस्ट पीछे बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और ये दुर्गा जी का मंदिर है। ये बजवंत तालाब जो स्पॉट है वो बजवंत तालाब बताना चाहेंगे जमुई की खासियत के बारे में कुछ भी अंकल यहाँ पे, मतलब ये मेरा चैनल है एक, वहाँ पे आप जमुई के बारे में कुछ भी बताओ। ओके, यहाँ ससुराल में अंकल आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ससुराल आकर, आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? ससुराल कभी अच्छा ना लगता। ससुराल अंकल को आई गेस अगर यहाँ पे बॉयज देख रहे हैं तो उन्हें आगे की बातें पता होनी चाहिए कि ससुराल अच्छा नहीं लगता है। तो आंटी अगर अंकल अगर आंटी देखेंगे आपको तो उन्हें आई गेस आपका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो देखते हैं आगे। आंटी आप बता सकती हैं आप क्या खरीद रही हैं? राखी की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और मैंने तो किया है। वेल आई गेस यू आर ऑल्सो डूइंग दिस, सो लेट्स सी एवरीवन व्हाट इज डूइंग। सो यहाँ पे बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है और यहाँ काफी, मतलब कि यहाँ हर जगह जहाँ देखो वहाँ राखियाँ 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 एंड दैट्स ऑल, क्योंकि अभी एक दो दिन में राखियाँ रक्षाबंधन आई गेस आने वाला है एंड आई एम इन जमुई। सो मैं भी अभी सेलिब्रेट करूँगी अपने भाइयों के साथ एंड सिस्टर्स, आप देख सकते हैं यू कैन सी हेयर, थोड़ा मुड़ जाओ यार बहनों, या यू कैन सी हेयर They are looking to me and uncle. यहाँ के जो दुकानदार, मतलब कि मालिक है, उन्हें तो मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। अंकल क्या आप यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ खासियत, मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल कितना? कोई खासियत नहीं है, बहुत सा खासियत नहीं, खासियत तो है, सही बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मतलब मेरा ये होम टाउन है, यहाँ की धेसर पर्वत है। अंकल हाँ बताइए अंकल, यहाँ की धेसर पर्वत है जी। जब सीता को रावण उठा के ले जा रहा था तो जो जटायु गिर लड़ा था और मर के गिरा तो वही नहीं जी। देखिए ये कितना, मतलब कि ये एक हिस्टोरिकल बात है, मतलब आई गेस कि यहाँ पे मुझे ये आइडिया नहीं था, सच में मुझे एक नई चीज़ पता चली है। थैंक यू सो मच अंकल इस कैमरे में आने के लिए एंड लेट्स सी राखी। इन
इंटरनेशनल शूटर्स रेसिंग सिंह यही किए हैं जी अंकल। अपने दुकान के बारे में, यहाँ मतलब कि कहाँ आपका दुकान है, मतलब लोगों को आसानी हो यहाँ आने में पहुँचने में, जो देखेंगे आप अपना दुकान का नाम। हाँ बताइए अंकल। बधवन तलाव। बधवन तलाव, दुकान का नाम अंकल? दुकान का नाम हो गया वर्षा सिंह। वर्षा सिंह, ओके। आप यहाँ ज़रूर आइएगा जब भी आपको ज़रूरत हो, मतलब आप कभी भी जम्मू ही आए तो ज़रूर आइएगा ये सब जगह। अंकल आप अपना नाम बता सकते हैं? ओके अंकल, आप अपना नाम बता दीजिए। ओके एंड अंकल प्लीज आप अपना भी। तुम कहाँ से आइए? अंकल हम लोग तो आगे चलते हैं, लेट्स सी। थोड़ी भूख लग गई है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या खाने का सामान मिलेगा। तो हम लोगों ने 3 बिस्किट्स लिया है, लेट्स सी। ओरियो, बॉर्बन एंड गुड डे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि भूख लगी इतने ज़्यादा चलने के बाद। तो अंकल आप अपना दुकान का नाम बता सकते हैं क्या आप इस कैमरे में? केसरी जनरल स्टोर। सो आप जब भी जम्मू आए यहाँ पे, जब भी आपको भूख लगे तो आप यहाँ आइए, खाइए पीजिए, जो भी आपको किराना का सामान मिले वो आप खाइए पीजिए, यहाँ बधवन तलाव के पास आपको मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी सामान है, यहाँ आप देख सकते हैं, लाइक दिस everything, you will get every necessary items here. यही लेगा। So यहाँ पे ये बच्चा आया, चला भी जा रहा है, जा भी रहा है, ये कुछ खरीदा है, right? तो वो खरीद चुका है और वो बस जा रहा है, और let's go. तो अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं और सारी शॉपिंग हो चुकी है, मेरी बहनें भी चल रही हैं साथ साथ। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे बस हम लोग चले जा रहे हैं, काफ़ी थक गई हूँ मैं। और तुम लोग थकी हो या नहीं, तुम लोग बता दो थोड़ा। पूरा पूरा दीदी, ये मतलब कि क्या, मतलब क्या खाती है ये, मुझे तो समझ नहीं आता है, मतलब आई डोंट नो कि मतलब जो मैं खाती हूँ वही ये भी खाती है, हम दोनों हमेशा साथ में खाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता ये मतलब थकती क्यों नहीं है यार, बाय बस मतलब। तो देखते हैं यहाँ पे आगे की, आप एक, आपको मैं बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ, यहाँ एक मंदिर है, राइट। ये कैमरे में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, बट आप जब भी आओ, ऐसा श्याम मंदिर, राइट। एंड वी आर मूविंग टू आवर डेस्टिनी, आवर होम। सो यू कैन सी हियर इज अ साड़ी शॉप, वेल इट्स नाइस। And this is a nursing home here. और ये मुझे कह रही है क्या कि बस मेरा फ़ोन मत गिरा देना तुम, और मैं अभी इसके फ़ोन से शूट कर रही हूँ, क्योंकि पता है आपको मैं कोई ये सोच कर नहीं आई थी कि मुझे शूट करना है, राइट। मैं बस अचानक से मैंने अपना मूड बनाया कि टुडे आई हैव टू शूट, बिकॉज मैं निकलती नहीं हूँ एक तो बाहर, और आज ख़रीदारी करनी थी तो मैं बाहर आई हूँ। तो बहुत बोल दिया मैंने, आप लोग भी थक गए होंगे शायद, यहाँ पे थोड़ी लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, राइट। बट इट्स अ, जम्मू इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड कम 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 कम, ओके। तो घर आ ही रहा है बस हम लोगों का, तो बस आने ही वाला है। सो गाइज हम लोग अपने घर आ गए हैं, ये एक बगल में एक फील्ड है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं अपने घर आ चुकी हूँ, चल बाय बाय। चलिए तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे हम लोग, और ये हमारा घर है, आपको मैं सुबह किसी दिन दिखाऊंगी, आप बहुत थक चुकी हूँ। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।